हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इज अनंत अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है। फंक्शन गिवन है आपको एक एफ एन से एन का, बी डिफाइंड बाय एफ एन। अब देखो एफ एन की दो कंडीशन दिए, ध्यान देना। आप एफ एन की दो कंडीशन दिए, एक तो दिए आप एन प्लस 1/2। अगर आप एन को ऑड मानते हैं तो आपके फंक्शन का वैल्यू ये होगा, और अगर आप एन को इवन मानते हैं तो वैल्यू ये होगा। बताओ समझ में आया? हाँ सर, आ गया। सेकंड थिंग, आपको ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वन वन और वन टू दोनों प्रूफ करना है। अगर कोई भी एक प्रूफ नहीं हो तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो हम वन वन को प्रूफ कर लेते हैं। फॉर वन वन, अगर वन वन हो जाएगा तो हम ऑन टू पे चलेंगे। वन वन के लिए जैसे मान लो, अगर मैं ऑड कंडीशन चूज करता हूँ एन की, मैं एन की वैल्यू क्या चूज करता हूँ? ऑड चूज करता हूँ, तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा एफ वन का, वो क्या बनेगा? यहां पुट होगी एन की वैल्यू 1 + 1/2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। अब मैं एन की वैल्यू इवन मान रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर इवन वैल्यू मानूंगा तो इसमें पुट करना होगा मुझे ना, तो 2/2, ये भी आंसर 1। यानी कि एफ वन और एफ टू दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आ गई? यूनिक इमेज आ गई है। सॉरी, यहाँ पे क्या? सेम इमेज आ गई। अगर सेम इमेज आ गई है दोनों के लिए कंडीशन पे, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एफ इज नॉट 1 1। अब देखो आगे 1 1 के बाद आपको ऑन टू प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर आपके पास 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू निकल भी जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव तो हो नहीं सकता। हैंस इफ एफ इज नॉट 1 1 देन इट मस्ट बी नॉट बाइजेक्टिव। बताओ समझ गए क्या? हाँ सर। तो हमारे पास क्या आ गया? एफ इज नॉट बाइजेक्टिव आ गया है। बताओ क्लियर हो गई कि ये बात? कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।